Assalamualaikum and welcome to my channel Passion by Rehan Ghori. जी viewers, तो आज मैं आपको Board Basin Food Street लेकर चलता हूँ। जी तो हम Board Basin Clifton पर पहुँच चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी रेस्टोरेंट्स हैं। सबसे पहले हमें रोल इन रेस्टोरेंट नजर आई, जहाँ का बारबेक्यू और रोल्स काफी मशहूर हैं। स्लाइस ऑफ लाइफ, यहाँ की आर्टिसन ब्रेड्स बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके अलावा इनके बेकरी आइटम्स भी अब मस्ट ट्राई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट को काफी रेनोवेट किया गया है और मजीद काम अभी भी जारी है। यहाँ बहुत सी रेस्टोरेंट्स हैं और फूड की भी काफी चॉइसेस मौजूद हैं। बोर्ड बेसन का एरिया आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए एक काफी अच्छा डाइनिंग आउट ऑप्शन है। यहाँ काफी कंफर्टेबल सिटिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, जहाँ बैठकर आप ओपन एरिया में अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट कराची की एक बहुत ही पॉपुलर फूड स्ट्रीट है और खास तौर पर वीकेंड्स पर यहाँ काफी क्राउड होता है। यहाँ पिज्जा लवर्स के लिए पिज्जा नेशन और पिज्जा क्रस्ट भी मौजूद हैं। तो ब्रोस खाने के शौकीन लोगों के लिए कराची ब्रोस भी है और देसी खानों के शौकीन के लिए निहारी इन भी मौजूद है। शाम ढलते ही फूड स्ट्रीट पर मजेदार खानों की तैयारी शुरू हो चुकी है और रेस्टोरेंट के वेटर्स भी काफी एक्टिव हो चुके हैं और हर गुजरने वाली गाड़ी से ऑर्डर लेने के लिए बेचैन नजर आते हैं। ये यहाँ का मशहूर कस्र अल नखील रेस्टोरेंट है, जहाँ से आप मुख्तलिफ अरबिक फूड इंजॉय कर सकते हैं। क्लिफ्टन के इस एरिया में काफ़ी और भी अपस्केल रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट पर आवाम का हमेशा रश नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर खानों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है और फिर दूसरे ये कि उनके रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और ये यहाँ की मशहूर तंदूरी हट रेस्टोरेंट है। यहाँ की तंदूरी चिकन लोगों में काफ़ी मकबूल है। इसके अलावा इनके तमाम ही बारबेक्यू आइटम्स तंदूर में बनाए जाते हैं, इस वजह से बहुत ही टेस्टी होते हैं। 1984 से ये रेस्टोरेंट बोर्ड बेसन पर है और इनके यहाँ टर्किश, मुगलाई, अफगानी सभी तरह के खाने होते हैं। ये फ्रंटियर रेस्टोरेंट है और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जायके इंजॉय कर सकते हैं, खासतौर पर पेशावरी कढ़ाई और अफगानी पुलाव। कराची क्योंकि एक कॉस्मोपोलिटन सिटी है और यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर आबाद हुए और साथ ही अपने इलाकों के जायकेदार खाने भी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए। कराची वाले इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं क्योंकि उन्हें अपने शहर में दूसरे शहरों के जायके भी खाने को मिल जाते हैं। काफ़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी इस स्ट्रीट पर मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइल में तख्त पर बैठकर खाना खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मज़ेदार खाने भी हों और आपके साथ आपके मोहब्बत करने वाले लोग भी हों, तो ये शाम एक बहुत ही मेमोरेबल इवनिंग बन जाती है। असरे अल नकील रेस्टोरेंट पर भी अब लोगों का रश बढ़ चुका है, क्योंकि इनका शावरमा और इनका स्पेशल शावरमा प्लेटर लोगों में बहुत ही मकबूल है। और जो लोग बलोची खाने खाना चाहते हैं, वो यहाँ से बलोची कढ़ाई और सब्जी भी खा सकते हैं। इसके अलावा पेशावरी नमकीन गोश्त और चांपे भी बहुत टेस्टी होती हैं। जी व्यूअर्स, तो ईट प्रे एंड लव, यानी अच्छा और सेहतमंद खाना खाइए, इबादत कीजिए और मोहब्बतें बांटिए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे आने वाले व्लॉग्स के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोर्ड बेसन क्लिफ्टन से अब मुझे इजाज़त दीजिए और इस फूड स्ट्रीट के एंड पर लिखा है, कराची दिल है जानी, वाकई इसमें कोई शक नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान।